मनुख एक अजिहा प्राणी है जिस दी सोचण शक्ति बहुत विस्तृत है। हुण सोचण वाली गल ए है कि शरीर दा केड़ा अंग है जो के सानू सोचण विच मदद करदा है, जां असी कह सकदे हां कि शरीर दा केड़ा हिस्सा सोचण लई जिम्मेवार है। असी सोच सकदे हां साडियां बहुत सारियां क्रियावां साडी सोच शक्ति दा नतीजा हन, जिवें लिखना, गल करना, कुर्सी कमाउणा आदि, किसे प्रोग्राम दे खतन होण ते ताड़ियां वजाउणा। साडे शरीर दे अंदर एक गुंजलदार अते मांसपेशियां वाली रचना जिसनू की असी दिमाग कहिंदे हां सोच शक्ति लई जिम्मेवार हुंदा है। दिमाग उपरोक्त क्रियावां लई पेशियां तक संदेश भेजदा है। काबू अते तालमेल नूं चंगी तरह समझण लई टेबल देखो। नाड़ी प्रणाली नूं दो भागां विच वंडिया जांदा है, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली, प्रिधि नाड़ी प्रणाली। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली दो भाग सुखमना नाड़ी अते दिमाग विच वंडी हुंदी है। प्रिधि नाड़ी प्रणाली कपाल नाड़ियां अते सुखमना तंदां विच वंडी हुंदी है। दिमाग सेंट्रल नाड़ी प्रणाली दा मुख अंग है। ए इच्छित क्रियावां बारे निर्णय लैंदा है, फिर ए संदेश दिमाग द्वारा पेशियां तक जांदे हन। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली अते शरीर दे दूजे भागां विच आपसी संचार प्रिधि नाड़ी प्रणाली द्वारा हुंदा है। प्रिधि नाड़ी प्रणाली दिमाग तो निकलन वालियां कपाल नाड़ियां अते सुखमना नाड़ी तो निकलन वालियां सुखमना तंदां तो बनी हुंदी है। इस प्रकार दिमाग सानू सोचण अते समझण उत्ते आधारित क्रिया करन दी आग्या प्रदान करदा है। दिमाग दे तीन मुख खेतर हुंदे हन, अगला दिमाग, मध्य दिमाग, पिछला दिमाग। अगला दिमाग, दिमाग दा सोचण वाला मुख भाग अगला दिमाग है। अगले दिमाग दे वख-वख खेतर सुनन, सुंगन अते देखन लई विशेषीकृत हन। पढ़ना, याद करना, याद रखना अते सोचना इत्थे ही हुंदा है। सुन के समझना भी इत्थे ही है। भुख लगन दा एहसास भी इस हिस्से दी सूचना ते आधारित हुंदा है। होर इच्छित क्रियावां जिवें रोटी खाना, गाना गाउणा, दौड़ना आदि भी इस हिस्से वल्लों ही संभव हो सकता है। कहण दा भाव है सारियां इच्छित क्रियावां इस कंट्रोल विच ही हुंदियां हन। मध्य दिमाग, ए अगले दिमाग अते पिछले दिमाग नूं जोड़न दा काम करता है। पिछला दिमाग, इस दा सेरिबलम हिस्सा संतुलन बनाउण, पोस्चर अते तालमेल संबंधी काम करता है। जिवें कि एक छोटा बच्चा जिसनूं कि अजे पेंसिल भी नहीं फड़नी आउंदी, ओ पेंसिल फड़ के उसनूं अपनियां उंगलां दे नाल संतुलित करदा है अते एह काम पिछले दिमाग दे सेरिबलम भाग करके हुंदा है। पिछले दिमाग दा एक होर हिस्सा है जिसनूं कि मेडुला कहिंदे हन। इह अणइच्छित क्रियावां जिवें मनपसंद भोजन नूं देख के मूंह विच लार आउणा, उल्टी आना अते लहू दा दबाव आदि कंट्रोल करता है। टिशुआं दी सुरक्षा किवें हुंदी है? दिमाग एक बहुत ही कोमल अंग है क्योंकि इह सारे शरीर दीआं मुख क्रियावां नूं कंट्रोल करता है। इस कोमल अंग दी रक्षा भी सावधानी पूर्वक रखनी चाहीदी है। इस नूं हड्डियां दी बनी खोपड़ी विच सुरक्षित रखिया जांदा है अते खोपड़ी दे अंदर एक तरल भरपूर गुब्बारे वर्गी रचना विच दिमाग सुरक्षित रहिंदा है, जिस नाल इह झटके सहन करन दे काबल बनदा है। रीढ़ दी हड्डी सुखमना नाड़ी नूं सुरक्षा प्रदान करदी है। बच्चो, नाड़ी टिशू किवें क्रिया करदा है? नाड़ी टिश नूं सूचना इकट्ठी करदा है, फिर इस नूं शरीर विच भेजदा है, सूचना ते अमल करदा है, सूचना दे आधार ते निर्णय लैंदा है अते फिर क्रिया लई निर्णय नूं पेशियां तक भेजदा है। भाव जदों क्रिया जां गति पूरी होनी हुंदी है
ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਅੰਤਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਤੂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾੜੀ ਬਿਜਲਈ ਆਵੇਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।